भाई यार अच्छा खासा यार नोट जा रहे थे यार। और भाई देख लो यार कहाँ पे आके फंस चुके हैं यार। अपनी गाड़ी में यार पेट्रोल ना ख़त्म हुआ होता तो यार अभी हम लोग आराम से यार घर पहुँच चुके थे, लेकिन यार अपना पेट्रोल ख़त्म हो गया और यार हम लोग बीच जंगल में फंस चुके। तो अभी अपने पास कोई और रास्ता तो है नहीं यहाँ पे कैंपिंग करने के अलावा, और गया जाए हम लोग अकेले आए हुए हैं इसलिए हम लोग भाई यहाँ पर आग जला के सर्वाइव करना पड़ रहा है। लेकिन भाई कुछ कर भी नहीं सकते यार, अपने पास कुछ है भी नहीं। लेकिन एक सेकंड भाई सामने कुछ रोशनी दिख रही है और भाई कुछ बिल्डिंग टाइप भी दिख रही है। तो भाई क्या कहते हो यार, हम लोग वहाँ पर जाना या फिर नहीं? बाकी यार अभी हम लोग के पास कोई और भाई रास्ता भी नहीं है। हो सकता है यार हम लोग वहाँ पे कोई मिल जाए जो कि यार हम लोग को भाई पेट्रोल दे दे तो यार हम लोग अपने घर तक भाई आसानी से पहुँच जाएँ। तो भाई चल के देखते हैं इधर पे भाई कोई दिख क्यों नहीं रहा। भाई एक दो बिल्डिंग दिख रही है, काफ़ी सारे घर दिख रहे हैं, मगर कोई इंसान तो भाई यहाँ पर दिख ही नहीं रहा। भाई पता नहीं यहाँ पर क्या क्या लिख के रखा हुआ है इन लोगों ने। तो फिलहाल जो भी यहाँ पर भाई कुछ रखा हुआ है इसे हम लोग क्लिक कर देते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं भाई आगे तरफ को, भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भाई इधर रास्ता खुली हुई है तो भाई चल के देखते हैं भाई उधर कुछ हम लोगों को भाई खाने पीने के लिए मिल जाए या फिर यार पेट्रोल मिल जाए। भाई पेट्रोल मिल जाए ना इतना भाई काम भाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, हम लोग भाई तुरंत ही यहाँ से निकल लेने वाले हैं। बाकी यार ये ज़मीन में भाई लाल लाल के पड़ा हुआ है भाई, कुछ घर भाई ठीक नहीं लग रहा। तो यार हम लोग भाई बाहर निकल लेते हैं। भाई यहाँ पर है ना भाई खतरे से खाली नहीं है। भाई देखो यार कितने यार भाई अजीब अजीब से भाई निशान बने हुए नीचे, और साथ में भाई ये कहीं पे भाई जा रहे हैं निशान। तो भाई अभी हम लोग जैसे तैसे करके भाई मेन रोड पर आ चुके हैं और भाई ये बिल्डिंग भाई सामने काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, लेकिन भाई ये निशान समझ नहीं आ रहे भाई ये निशान आखिरकार क्यों पड़े हुए हैं। फिलहाल अभी जो भी भाई हम लोग इस वाले घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई आई होप कि भाई हम लोग को यहाँ मिल जाए। बाकी यहाँ पर हम लोग भाई एक स्पॉट मिल चुकी है तो उसको ले लेते हैं। बाकी थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिल चुका है और भाई हम लोग को थोड़े बहुत ब्लॉक्स मिल चुके हैं। भाई एक सेकंड भाई जॉम्बी कहाँ से आ गए यहाँ पे? गाइस यार जॉम्बी आ चुका, वो भी गाइस यार भाई एफिशिएंसी की भाई पिकेक्स लेके आ चुका भाई लिटरली। आप देखो एक बार भाई क्या समय से मारा हम लोगों ने भाई अपने लिटरली भाई दो हार्ट बचे हुए थे और भाई अभी लोग बच चुके हैं भाई फाइनली। भाई जॉम्बी भाई ये सिटी जॉम्बी अपार्टमेंट है, मतलब यार समझ रहे हो यहाँ पे भाई जॉम्बी का वायरस फैल चुका और भाई हम लोगों को यहीं पर आना था। भाई यार अभी मेरे पास पेट्रोल भी नहीं कि भाई हम लोग यहाँ से निकल जाए और भाई पूरी पूरी सिटी भाई जॉम्बी अपोकैलिप्स से, मतलब कि यार अभी हम लोग फंस चुके हैं बहुत बहुत तगड़ा वाला। अब भी यार हम लोग को भाई सामान ढूंढना पड़ेगा इन लोग से बचने के लिए या तो यार यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो यार हम लोग देखना पड़ेगा भाई बाहर कैसे निकल सकते हैं यहाँ से हम लोग। भाई पेट्रोल मिल जाए तो भाई अपना काम आसान हो जाएगा, भाई हम लोग तुरंत ही यहाँ से भाई निकल लेने वाले हैं। तो ओके गाइस यार अभी उन्होंने भाई जो सामान हो सकता है, मतलब कि यार जो जो हम लोग काम की चीज़ें मिलती है भाई हम लोगों ने वो तो रख ली है, लेकिन यार गाइस अभी भी अपने पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है तो वो हम लोग देखते जाएंगे। और भाई यहाँ से एस्केप करने सोचेंगे भाई पेट्रोल मिल जाए तो हम लोग तुरंत ही यहाँ से भाई एस्केप कर लेंगे। बाकी यार यहाँ से बाहर निकलने मन नहीं कर रहा, लेकिन भाई मजबूरी यहाँ से बाहर निकलना। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे भाई अपने लिए भाई गोल्ड की लेगिंग्स मिल गई और साथ ही भाई एक वुड का हेलमेट मिल गया तो उसे भी ले लेते हैं, अपने काम ही आएगा। बाकी यहाँ से बाहर निकलते हैं जैसे तैसे करके और देखते हैं भाई आगे सीन क्या होता है आखिरकार। तो फिलहाल गाइस यार जैसे जैसे करके भाई हम लोग दोबारा से मेन रोड पे आ चुके हैं और भाई सामने देखो भाई जॉम्बी भाई जंगल की तरफ को जा रहा है और भाई यहाँ पे भाई जॉम्बी स्केलेटन भाई जो जो भाई हो सकते हैं भाई सारे सारे यहाँ पे आप लोग मिल जाएंगे। भाई टोटली भाई अबैंडन्ड सिटी और साथ ही में गाइस यार यहाँ पे जॉम्बी एपोकैलिप्स भी फैला हुआ है और भाई देखो ये जॉम्बी और पीछे आ चुका है हम लोग के, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। भाई यहाँ पे कोई रहता नहीं क्या भाई, ये समझ नहीं आ रहा। भाई एक बंदा भी मिल जाए ना तो भाई अपना काम आसान हो जाएगा। बस यार हम लोग पेट्रोल मिल जाए भाई तुरंत ही यहाँ से भाई बाहर निकलने वाले हैं। फिलहाल अभी जो भी हम लोग भाई एक गोल्डन एप्पल मिल गया था जिसकी वजह से यार हम लोग लाइफ थोड़ी बहुत तो सेफ है ही। साथ ही में गाइस यार पता नहीं भाई सिटी में भाई क्या ही दिक्कत है, हम लोग भाई कोई सामान को भाई कलेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब कि यार हम लोग कुछ तोड़ा ताड़ी भी नहीं कर सकते, मतलब कि हम लोग को जो कलेक्ट कर सकते हैं भाई वही कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल सामने तरफ भाई एक भाई बैंक टाइप का दिख रहा है तो भाई इस बैंक के अंदर चलते हैं और भाई यहाँ पर भाई कोई एम्प्लॉय नहीं है हम लोग जैसे देख पा रहे हो। बाकी यार बैंक के नीचे चलते हैं देखते हैं शायद हम लोग को भाई कोई भाई खजाना वजाना टाइप मिल जाए जो कि हम लोग काम आ सके यहाँ से इन लोगों से बचने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर भाई सीढ़ियाँ जो है ना भाई नीचे तरफ को जा रही हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग भाई सीढ़ियों को फॉलो करते हुए भाई नीचे तरफ को आ चुके हैं और भाई यहाँ पे भाई मेरे ख्याल से भाई कुछ तो भाई रखा जाता होगा। फिलहाल अभी सामने जो रास्ता है ना भाई लंबी जा रही है और भाई यहाँ पे खजाना कितना ज़्यादा रखा हुआ है और भाई चेस्ट भी कितनी सारी रखी हुई है और भाई इनके अंदर भाई बहुत तगड़ा सामान होने वाला है, लेकिन अभी हम लोग भाई कोई ब्लॉकों को लट नहीं कर सकते। भाई केवल जो चेस्ट में सामान मिलने वाला है ना केवल उन्हीं को ले पाने वाले, तो भाई जो जो मिलता भाई ले लेते हैं। फिलहाल भी इन लोग भाई सारी सारी चेस्टों के अंदर भाई डायमंड या फिर भाई गोल्ड के बार मिल रहे हैं जो कि भाई काफ़ी तगड़ी बात है, तो उनको भाई सारी सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं निकलते हैं यहाँ से बाहर तुरंत ही, क्योंकि यार यहाँ पे पानी भी भरता जा रहा है। तो फिलहाल गाइस यार अभी हम लोग जितना सामान ले सकते हैं भाई ले लिया और भाई यहाँ पे पानी भर चुका है। फिलहाल अभी हम लोग भाई काफ़ी तगड़ा तगड़ा सामान मिल चुका है, जैसे कि भाई देखो एक भाई देखो डायमंड की चेस्ट प्लेट मिल चुकी है अपना भाई 24 डायमंड के भाई कैरेट मिल चुके हैं जो कि भाई काफ़ी तगड़ी बात। और आप लोग देखोगे तो भाई हम लोग यहाँ पे भाई क्राफ्टिंग टेबल को भाई प्लेस नहीं करते थे बिकॉज और गाइस यार हम लोग भाई यहाँ से अपना कुछ भी बना नहीं सकते, केवल कलेक्ट कर सकते, कोई भी चीज़ प्लेस नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकते। तो फिलहाल अभी जो भी बाहर की तरफ निकलते हैं और देखते हैं भाई बाहर से भाई हम लोग एस्केप कर सकते हैं। बाकी बैंक में भी हम लोग पेट्रोल तो नहीं मिला है, बाकी देखते हैं
पेट्रोल कहाँ मिलता है हम लोग को। बाकी अभी हम लोग भाई बाहर की तरफ चलते हो भाई, बाहर से किसी की भाई यहाँ पे आने की आवाज़ आ रही है जैसे कि हम लोग भाई सुन पा रहे, तो फिलहाल यहाँ से भाई धीमे धीमे निकलने की कोशिश करते हो। भाई बाहर से एक ज़ॉम्बी अपनी तरफ आ रहा है जैसे आप लोग देख पा रहे हो। भाई इससे बचा कैसे जा सकता है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग देख सकते हो भाई अपनी तरफ आ रहा है, ना ही हम लोग आगे जा सकते हैं ना ही पीछे जा सकते हैं भाई, इसे लड़ना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अपने पास भाई एक डायमंड की स्वॉर्ड है और भाई यहाँ पे दो भाई ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, तो चलो यार गाइस जरा इनसे फाइट तो करनी पड़ेगी। और भाई देखो भाई कितना पावरफुल है भाई, ये लोग भाई एन्चांट हो गया आ रहा है पूरा, जिससे यार इनकी जो पावर है ना भाई बहुत ज़्यादा अपनी भाई, चार चार हट बचे हुए हैं केवल भाई। अभी कुछ रास्ता नहीं भाई, हम लोग इनसे भाई भाग नहीं सकते, हम लोग इनसे लड़ना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अभी भाई इन्होंने एप्पल खा लिया क्योंकि भाई मजबूरी थी अपनी। और देखो भाई एक एप्पल खाने से इनको भाई तुरंत ही काम तमाम कर दिया। अभी बढ़ते हैं आगे तरफ को, ये ज़ॉम्बी आ रहा है इसको भाई तो नहीं मारेंगे भाई, हम लोग जितना भी भाई यहाँ से एस्केप कर सकते ना भाई उतना करने की कोशिश करेंगे। और भाई जल्दी जल्दी यहाँ से भाई पेट्रोल लेके भाई एस्केप करेंगे, बाकी भाई बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। और फिलहाल अभी हम लोग भाई यहाँ से निकलने कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या तो यार हम लोग भाई इस पूरी पूरी सिटी को भाई ठीक करना पड़ेगा, या तो भाई खुद भागना पड़ेगा। फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग भाई खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान मिल चुका है तो उसे ले लेते हैं हम लोग। बाकी एक सेकंड भाई पीछे किसने मारा यार, भाई हम लोग दोबारा पीछे रहना पड़ेगा भाई। ज़ॉम्बी स्केलेटन भाई सारे के साथ आ चुके, पहले भाई स्केलेटन को टपकाते हम लोग, लेट्स गो भाई स्केलेटन भाई टपक चुका है। अभी देखते हैं भाई जो पीछे ज़ॉम्बी आ रहा है भाई, इससे निपटते पहले हम लोग। और भाई इससे भाई भागते हैं यार, फालतू में नहीं भिड़ना हम लोग को, और कोई रास्ता ढूंढते हैं यार यहाँ से निकलने का, क्योंकि अभी हम लोग भाई बहुत तगड़ा भर चुके हैं भाई। पूरी पूरी जो सिटी है ना भाई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है। फिलहाल अभी हम लोग भाई एक रास्ता ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत ओपी चेस्ट मिल जाए, जहाँ पर हम लोग अच्छा सामान मिल जाए और भाई इन लोग से भाई डिफीट कर सकें, भाई डिफेंस कर सकते हैं और सारी सारी जो चीज़ें होती हैं भाई वो कर सकें। बाकी सामने तरफ भाई आप लोग देख पा रहे हो ना भाई एक अजीब सी भाई बिल्डिंग है। बाकी ये देखो भाई ज़ॉम्बी अकेला आ रहा है, भाई अकेले आना तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे हम लोग तुरंत ही टपका देंगे। अभी बढ़ते हैं आगे तरफ को, देखते हैं भाई आगे हम लोग को भाई क्या क्या सामान मिलता है। फिलहाल गाइस जरा सामने तरफ आप लोग देख पा रहे हो भाई एक अबांडेंड भाई फैक्ट्री पड़ी हुई है, तो उसके अंदर चल के देखते हैं भाई। चमगादड़ भी अपनी आंखों के सामने आ रहा है, तो आई होप कि भाई हम लोग यहाँ से भाई कुछ खाने पीने का या फिर अपना जो पेट्रोल है ना भाई वो मिल जाएगा, मिल जाएगा ना भाई मज़ा आ जाएगी। बाकी यहाँ पर भाई वो रेड डॉट्स बने हुए हैं जो कि यार भाई बहुत ज़्यादा डरावने हैं। फिलहाल यहाँ पर भाई नीचे रास्ता टूटी हुई है तो उसका देखना पड़ेगा हम लोग को। बाकी एक चेस्ट हम लोग सामने रखी हुई है, तो जाके भाई इसे हम लोग लूटते हैं और देखते हैं भाई इसके अंदर भी कुछ काम का नहीं है भाई। ब्लेस पाउडर मिला है, चलो देखते हैं इसका आगे क्या यूज़ होता है। फिलहाल अभी लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। और भाई चेस्ट को बंद करते हैं, दूसरे चेस्ट देखते हैं इसके अंदर क्या। बाकी एक सेकंड हम लोग भाई किसने अटैक किया था ये लोग देख पा रहे हो, तो भाई अभी लोग चीज़ें नीचे गिरा चुके हैं भाई, इतने पूरे पूरे भाई 6-8 जा चुके हैं। एक ज़ॉम्बी आ रहा है भाई, इसने धक्का दिया था भाई, इसे बताते पहले भाई धक्का कैसे दिया इसने भाई। ज़ॉम्बी अकेले आते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई जब साथ में आते हैं ना लिटरली भाई बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल भी उन्होंने भाई सर्वाइव तो अच्छा कर लिया। फिलहाल अपने पास भाई 1.5 बच्चे हो भाई, दोबारा से किसी ने अटैक कर दिया पीछे। फिलहाल भी लोग फाइट करनी पड़ेगी इनसे, क्योंकि भाई अभी अपने पास और कोई भी रास्ता नहीं भाई। छोटा बच्चा भाई बहुत काटता ही है लिटरली, आप देखो भाई दिगड़ हाल बचे हुए हैं। फिलहाल अभी जैसे तैसे कर भाई लोग से तो बच चुके हैं। अभी फिलहाल बढ़ते हैं आगे तरफ को, और भाई एक ज़ॉम्बी मेरे ख्याल से भाई इधर और आ रहा है, तो उससे भी बने बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे तरफ को। फिलहाल अपने पास भाई यहाँ पे एक अपना टोटम वो फंडाइन था, तो उसे भी ले लेते हैं हाथ में। अब कोई भी आ जाए, अब कोई डर नहीं हम लोग के पास, अपने पास पावर भी है पैसा भी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई दोबारा से ज़ॉम्बी आ चुका है, और भाई अभी अपने पास अगर टोटम ना होता ना तो भाई अपनी भाई अभी वोट लग जाती, लेकिन जो कोई बात नहीं अभी लोग बच चुके हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इधर को, भाई चेस्ट प्लेट लेके भाई एक ज़ॉम्बी आ रहा है भाई, फुल्ली आर्मर पहन के आ रहा है भाई। अगर नेदरलैंड का आर्मर लेके आ गए ना लिटरली भाई अपना गेम एंड है। लेकिन हाँ जो भी अभी हम लोग भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले भाई, पूरी पूरी सिटी को भाई ठीक तो करने वाले हैं, साथ ही पेट्रोल लेके भाई यहाँ से एस्केप भी करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जो भी है अभी ढूंढते हैं भाई एक अच्छी सी रास्ता जहाँ पर हम लोग को भाई ठीक से सामान मिल सके, भाई पेट्रोल मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाएगी। फिलहाल सामने तरफ एक भाई बिल्डिंग दिख रही है, आई होप कि भाई वहाँ पे लोग सामान मिल जाए। बाकी अभी तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है यार यहाँ से बचने का, वो फिलहाल जो भी यार अभी हम लोग सामने जो घर देख पा रहे हैं भाई इसके अंदर जाके देखते हैं। बाकी यार पूरी तरह से भाई बंद रास्ता है, मतलब कि हम लोग घर के अंदर जा ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं घर के अंदर जाने की। और भाई ज़ॉम्बी ने भाई पूरा पूरा कब्जा करके रखा हुआ, आप लोग देख सकते हो जैसा कि। फिलहाल ये तो बैंक भाई हम लोग दोबारा से आ चुके हैं भाई, इसके अंदर हम लोग नहीं जाना है। तो फिलहाल देखते हैं भाई अपने लिए कोई सेफ प्लेस। तो गाइस यार बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है भाई, हम लोग भाई बहुत देर से यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, और भाई देख सकते हो भाई यहाँ पे भाई रात से सुबह हो ही नहीं है भाई, लिटरली यहाँ पे भाई 4-5 घंटे हो चुके हैं भाई हम लोग यहाँ पे आए हुए, लेकिन भाई यहाँ पे सुबह हो ही नहीं रही है। फिलहाल अभी एक ज़ॉम्बी और जिसे हम लोगों ने मार दिया है। और गाइस यार अभी हम लोगों ने भाई जब वोट साइन को भाई ध्यान से पढ़ा ना, तो भाई हम लोग को पता चला कि भाई अगर इस सिटी को आज़ाद करना है तो भाई हम लोग को ना भाई एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा। मतलब कि यार अभी जो सिटी है ना भाई उसमें एक वायरस फैला हुआ था, जिसमें कि यार सारे जितने भी लोग थे ना भाई सब ज़ॉम्बी बन गए।
गए। और अगर हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को जल्द से जल्द ना मारा और उसका भाई एग लेके ना आए तो भाई ये जो सिटी है ना भाई पूरी जॉम्बी एपोकलिप्स रहेगी और भाई जितने भी लोग हैं भाई एकदम कैद रहने वाले हैं भाई जॉम्बी बन के। तो फिलहाल अगर अभी हम लोग भाई शायद शायद यहाँ पर आएँ इन लोग बचाने के लिए, तो फिलहाल अभी हम लोग भाई एकदम सही बिल्डिंग पर आए हैं, मतलब कि यहाँ पर हम लोग एंडर ड्रैगन को मारने का सारा सारा जो सामान है भाई वो मिल चुका है। तो फिलहाल अभी हम लोग आप लोग कह सकते हो भाई हाफ तरीके से तैयार हो चुके हैं एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए, और देखते हैं भाई अपनी अंडर ड्रैगन से फाइट आखिरकार कैसी होती है।